हर एक लोगों के जहन के अंदर सिर्फ एक ही सवाल है कि नागिन 4 कब आएगा, और सबसे बड़ा सवाल यानी नागिन 4 में आपको शिवांगी देखने को मिलेगी या नहीं, और साथ ही साथ माहिर एंड बेला की भी जोड़ी देखने को मिलेगी या नहीं, और नागिन 4 का प्रोमो और नागिन 4 का पहला एपिसोड कब तक आएगा, ये सारी खुफिया डेटर्स और सारे बड़े सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। आपको पता होगा कि नागिन 3 का अभी फिलहाल का ट्रैक काफी बोरिंग सा हो गया है और काफी सारे लोगों को नागिन 3 की स्टोरी पसंद नहीं आ रही, और इसी बड़ी वजह की वजह से अभी फिलहाल 2 महीने के अंतराल के बीच नागिन 3 आपको बंद होता दिखाई देगा, और नागिन 3 के बंद होने के बाद सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नागिन 4 का ही इंतजार होगा। और क्योंकि कई सारे फैंस की डिमांड है कि नागिन 4 में और कोई नहीं बल्कि मौनी रॉय को लिया जाए, और खुफिया सूत्रों की माने तो मौनी रॉय शायद ही आपको नागिन 4 में देखने को मिले, और क्योंकि मौनी रॉय बॉलीवुड में जाने के बाद मौनी रॉय की बॉलीवुड में डिमांड ज्यादा हो गई है, और इसी वजह से मौनी रॉय को बॉलीवुड मूवीज के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो मौनी रॉय सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीनों के लिए ही नागिन 4 को साइन करेगी, और इसी वजह से नागिन 4 में आपको ज्यादा टाइम मौनी रॉय यानी शिवांगी देखने को नहीं मिलेगी। और लेकिन दूसरी तरफ आपको नागिन 4 में माहिर एंड बेला की जोड़ी देखने को मिलेगी, और क्योंकि नागिन 3 के अंत में माहिर का सीधा कनेक्शन और किसी के साथ नहीं बल्कि शिवांगी के साथ बताया जाएगा, और नागिन 3 का सबसे खतरनाक प्रोमो नागिन 3 के खत्म होने के बाद 1 महीने बाद आपको नागिन 4 का प्रोमो भी देखने को मिलेगा, और माना जा रहा है कि नागिन 3 से भी अच्छी स्टोरी और काफी धमाकेदार एक्शन के साथ आपको नागिन 4 की शुरुआत देखने को मिलेगी। और नागिन 3 के बंद होने की सबसे बड़ी वजह लोगों को नागिन 3 की स्टोरी ही काफी बोरिंग सी लगी, और कई लोगों का मानना यह है कि नागिन 3 से भी अच्छा नागिन 1 एंड नागिन 2 था, और लेकिन दुख की बात तो यह है कि नागिन 4 में आपको शायद ही मौनी रॉय देखने को मिले, और ये सारे नागिन में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, नागिन 1, नागिन 2 या नागिन 3, यह हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और नागिन 4 में मौनी रॉय को लेना चाहिए या नहीं ये हमें जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।